सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। वी विल डिस्कस टुडे एचपीपीएससी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम। तो बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सबसे पहले, और आखिर में बात करेंगे अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जो कि स्टडी मटेरियल पर बेस है। यू नीड नॉट टू स्टडी एनीथिंग एल्स, इसकी बात भी होगी। चलिए सबसे पहले कुछ खास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो चार ऑप्शन है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो क्योंकि एग्जाम जल्दी होना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका बी जवाब है, बोटेनिकल गार्डन। आसान सवाल था। और अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। तो चार ऑप्शन है, चार स्टेट के नाम दिए हुए हैं इसके अंदर। तो इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताइए क्या जवाब हो सकता है। बिल्कुल, इसका बी जवाब है आपका, अरुणाचल प्रदेश बी जवाब है। याद कर लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं। ये सैंडी एंड सेलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज। द एनिमल हैज नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल। तो चार ऑप्शन है इसमें, बताइए क्या जवाब हो सकता है। इंडियन वाइल्ड बफेलो और इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर और इंडियन गजेली। तो चार ऑप्शन है, इसका जवाब बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल, इसका बी जवाब है आपका, इंडियन वाइल्ड एस। और आगे बढ़ते हैं। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। Which one of the following is the most appropriate reason for this phenomena? तो चार ऑप्शन है, it is a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth. और second है, it is a confluence of different biogeographical zones. Exotic and invasive species have not been introduced in this region. It has less human interference. तो इसका जवाब बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल, इसका बी जवाब है। और अगर आपसे आपसे आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें याद कर लीजिए, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर्ड टू ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, और द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। और सेकेंड है आपका, प्रोपेगुल्स ऑफ द ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, एक्सकोटिक स्पीसीज इनवेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए है, सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही जवाब है। व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट जनरली ड्राइज अप एंड डाइज बिकॉज। बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो वॉटर फ्रॉम सॉइल कैनॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, ट्री इज इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स और रूट्स टू डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। तो सोचिए, बिल्कुल इसका ए जवाब है आपका, वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। तो ये कुछ एक्ट्स हैं, कानून अधिनियम दिए गए हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो विच of above acts have relevance to bearing on biodiversity conservation in the country। ठीक है, तो जैव विविधता से जुड़े हुए हैं, relevance है कौन से acts का इनमें से। तो options देख लेते हैं इसमें, एक तीन, दो तीन चार, एक दो तीन चार, none of the above।
इसका डी जवाब है, आपका सी जवाब है इसका, चारों के चारों बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स झारखंड, नॉन बाय ए डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, एंड अनोदर विद इट्स सोर्स इन उड़ीसा, मर्ज एट ए प्लेस ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इन टू सी। दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस। तो चार ऑप्शन है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये जवाब है आपका, कौन सा हो सकता है इन चारों में से, भितरकणिका, चांदीपुर, गोपालपुर, चिमलीपाल। तो इसका जवाब है ए आपका, भितरकणिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट है आपका बैट बी बर्ड, विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो कौन सा बैट बी बर्ड, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो इसमें जो जवाब आपका आएगा वो तीनों है, डी जवाब, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके तीनों के तीनों है, डी जवाब है। और नेक्स्ट देखते हैं द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, तो आपको पता होगा एनजीटी 2010 में ही बना था, वॉज इनएक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शन आपके पास है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, और उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 275(1). तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, तो करेक्ट पूछा गया है, तो जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी पहला ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए। एक और सवाल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑल द अबव करेक्टरिस्टिक्स। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या जवाब हो सकता है इसका बताइए, कौन सा आंसर है इसका, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बताइए। बहुत क्लोज आंसर है इसका, बिल्कुल इसका ए जवाब है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब है। तो ये मैंने आपसे बात की अभी कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर, जो कि असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए है। तो आप हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है इसके सिलेबस पर, जो कि अभी इसका लेटेस्ट सिलेबस है उसी पर बेस है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने रखने की कोशिश की, और यू नीड नॉट टू स्टडी एनीथिंग एल्स। इसे पढ़ने के बाद आपने कुछ भी अलग से किताब, मैगजीन, अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स का कवरेज है जो इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। तो और बाकी डिटेल आप जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर आप डिटेल देख सकते हो, या आप हमें कॉल कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर। ठीक है, तो अच्छा मौका है, तो इसलिए आप ज़रूर कॉल कीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पर और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।